हेलो एवरीवन, हियर अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 10, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। हमने इसमें रिप्रोडक्शन की बात करी थी, इंपॉर्टेंट ऑफ रिप्रोडक्शन बात करी थी, वेरिएशंस की हमने बात करी थी, वेरिएशन के इंपॉर्टेंट्स की बात करी थी, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी थी। और हम पढ़ रहे थे, हमने कंप्लीट कर दिया था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें नॉर्मली मियोसिस एंड माइटोसिस की हमने बात करी थी। मियोसिस में एन होता है नंबर, माइटोसिस में नंबर 2n हो जाता है, और नए ऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल और गैमेट और स्पर्म एंड एग इज नोन एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था। और हमने कहा था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग पार्ट होते हैं या टाइप होते हैं, फीजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये बहुत सारी। और इन सभी को हमने डिटेल में पढ़ लिया था। फीजन हमने पढ़ लिया था, बाइनरी फीजन की हमने बात करी थी, मल्टीपल फीजन की हमने बात करी थी, फिर हमने बडिंग की बात करी थी, सबका एग्जाम्पल दिया था। देखिए, बाइनरी फीजन का एग्जाम्पल हमने अमीबा दिया था, और मल्टीपल फीजन का एग्जाम्पल हमने ईस्ट दिया, सिस्ट ब्रेक हो जा रही थी इसकी इसकी, और फिर हमने बडिंग में हाइड्रा का एग्जाम्पल इसमें दिया था, और हाइड्रा का एग्जाम्पल किसमें दिया था, बडिंग में, और प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल दिया था मल्टीपल फीजन में, यीस्ट का एग्जाम्पल भी बडिंग के लिए दिया था, स्पोर फॉर्मेशन में हमने ब्रेड मोल्ड का एग्जाम्पल दिया था, रीजेनरेशन में प्लेनेरिया जो कि एक फ्लैट वॉर्म होता है इसका एग्जाम्पल हमने दिया था, फ्रैगमेंटेशन हमने पढ़ा था, फ्रैगमेंटेशन भी देखिए स्पायरोगायरा हमने इसका एग्जाम्पल दिया था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हमने बात करी थी, और साथ ही साथ हमने आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग बहुत अच्छे से इसके बारे में हमने बात करी थी, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग के बारे में। और साथ ही साथ फिर हमने लास्ट जो टॉपिक हमारा चल रहा था, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चर की हमने बात करी थी, जहाँ पे छोटा सा पीस लिया जाता है, ग्रोइंग टिप ली जाती है और उसे अलग अलग मीडियम में चेंज किया जाता है, हार्मोन उसे दिए जाते हैं, एंजाइम उसे दिए जाते हैं, और फिर वो ग्रो करता है एक नए प्लांट के फॉर्म में या छोटे छोटे प्लांटलेट्स के फॉर्म में, और वही प्लांटलेट्स आगे जाके प्लांट बनाने का फॉर्मेशन काम करते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ना है, आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम नए टॉपिक की तरफ जहाँ बढ़ेंगे वो हमारा नया टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आज हम बात करने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी ऑल्सो फेमिलियर विद द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। हम फेमिलियर हैं कि हमें पता है कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अनदर मोड है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ पे दो पेरेंट्स के रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, अगर एक पेरेंट है, एक सेल है, तो उसी से नई जनरेशन क्रिएट हो सकती है, उसी से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे दो पेरेंट का या दो सेल्स का, दो सेक्स सेल्स का, दो गैमेट्स का होना जरूरी होता है। ठीक है, टू इंडिविजुअल, वही बोला ना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, नई जनरेशन क्रिएट हो उसके लिए दो इंडिविजुअल के सेल्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो फिर बोल रहा है बुल्स अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू काल्व्स, तो बुल्स नए काल्व अकेले नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉर कैन हैन अलोन प्रोड्यूस न्यू चिक, तो हैन अलोन नहीं, अकेले नहीं नए चिक्स का फॉर्मेशन कर सकती है। तो इन सच केसेस बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। तो इन केसेस में क्या होता है, जैसे ह्यूमन बींग में भी यही होता है, तो अगर नई जनरेशन प्रोड्यूस करनी है, नई स्पीसीज प्रोड्यूस करनी है, तो ज़रूरत है दो पेरेंट्स की, जिसमें कि एक मेल होगा और एक फीमेल पेरेंट्स होगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट, अब मेन तो ये आया कि ठीक है, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, इतने सारे फायदे पढ़ लिए, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्यों ज़रूरत है, ऐसा क्या स्पेशल
कॉज है इसका या ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, तो इसमें ये ही हमने अभी पढ़ना है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, आर देयर एनी लिमिटेशन ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच वी हैव बीन डिस्कसिंग अबव, तो क्या कुछ लिमिटेशंस भी इसकी हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी इसमें हो सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों हमने ये बात करनी है। तो देखिए जैसे जैसे नए सेल का क्रिएशन होता है, द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्विंग, अब देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं ना, हमें हमने पढ़ रखा है डीएनए, ठीक है, हमने डीएनए की बात करी है, हम लास्ट क्लासेस में हम डीएनए पढ़ के आ चुके हैं, थोड़ा बहुत हमने चैप्टर स्टार्ट होते टाइम भी हमने डीएनए की बात करी थी। डीएनए है डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए, हमें देखने को मिलता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए होता है हमारी बॉडी में, और डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसे कहा जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जब भी दो नए सेल, द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज ऑफ द सेलुलर एपरेटस, जितना भी सेलुलर एपरेटस है बॉडी में, सेल में, या जितना भी डीएनए है, जो भी डीएनए है वो क्या होता है, जब भी दो सेल, दो नए सेल क्रिएट होते हैं, वो कैसे होते हैं, डीएनए की कॉपी होती है, साथ ही साथ जो जो सेलुलर एपरेटस है उसकी कॉपी होती है, ठीक है। डीएनए में क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए में जीन है, डीएनए में न्यूक्लियस में डीएनए है, फिर जीन, फिर क्रोमोसोम्स हैं, फिर जीन्स हैं, फिर वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेके जा रहे हैं, ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो जो डीएनए कॉपी की जो कॉपिंग की जो मैकेनिज्म है, कॉपी मीन जैसे जीरोक्स कॉपी होती है, तो कुछ उसी तरीके से डीएनए भी काम करता है। डीएनए कॉपी की जो मैकेनिज्म है, हम एज वी हैव नोटेड, कैन नॉट बी एब्सोल्यूटली एक्यूरेट, ये एब्सोल्यूटली एक्यूरेट नहीं होती है। और मैं ये क्यों कह रही हूं, ये हमें क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि हमने खुद देखा है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी नहीं है अपने पेरेंट्स के, राइट, हमारे जो ब्रदर सिस्टर हैं वो हमारे एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, हमारे पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, वो सिमिलैरिटी जरूर शो करते हैं लेकिन एग्जैक्ट कॉपी वो नहीं है, राइट। तो इसलिए हम कह सकते हैं डीएनए की जो कॉपी होती है वो एब्सोल्यूटली एक्यूरेट तो नहीं होती, 100% एक्यूरेट तो नहीं होती है ना। तो एंड द रिजल्ट, और हमने इसके फायदे भी तो पढ़े थे, फिर इससे हमें क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा था, हमने पढ़ा था ना, और वेरिएशन के फायदे तो हम पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर में कि हमारे लिए अच्छा है, वेरिएशन स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बरकरार रखता है, अगर स्पीसीज को आगे बढ़ना है, स्पीसीज को इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से चलना है, या अगर कोई भी स्पीसीज इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना चाहेगी, या कोई भी स्पीसीज अगर सर्वाइव कर रही है, तो जस्ट बिकॉज उसकी बॉडी में वेरिएशंस आ रहे हैं इसलिए वो सर्वाइव कर पा रही है, उसकी डीएनए कॉपी एक्यूरेट नहीं हो रही है, 100% एक्यूरेट नहीं हो रही है इसलिए वो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि एक्यूरेट एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर अ सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो जो एरर्स आ रहे हैं, जो एरर हो जा रहा है, जो एक्यूरेट नहीं हो पा रहा है, वो सोर्स है किसका, वेरिएशन का, किसी भी पॉपुलेशन में, ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में जो वेरिएशन का सोर्स है वो क्या है, डीएनए में आने वाला एरर, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाई वेरिएशन, लेकिन हर एक इंडिविजुअल, एक ही ऑर्गेनिज्म तो प्रोटेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, वेरिएशन से प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता है, बट इन अ पॉपुलेशन, अगर आप बात करते हैं एक पॉपुलेशन में, एक पूरी पॉपुलेशन में अगर वेरिएशन आ रहा है, वेरिएशन आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, येस दिस इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो वेरिएशन के लिए बोला जाता है या वेरिएशन का जो फायदा लाता है। अगर एक जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन में अगर वेरिएशन आ जाए तो वो वेरिएशन फायदा ही लाएगा, और वो वेरिएशन क्यों आया है, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो प्रेशर चेंज हो रहा है, सारी चीजें चेंज हो रही है, तो इसलिए बॉडी में धीरे 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 वेरिएशंस आए। तो अभी एक पॉपुलेशन में आएगा, ह्यूमन की एक पॉपुलेशन में आ रहा है, एक एक एरिया में, मीन्स अगर हम बात करें नॉर्थ साइड में जितने भी लोग रहते हैं, मीन्स की ग्लोब जो होता है हमारा, उसमें नॉर्थ साइड में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितनी भी कंट्रीज नॉर्थ में आ रही हैं, उनमें एक वेरिएशन आ रहा है, एक पॉपुलेशन में वेरिएशन आ रहा है, तो इट मींस कि कुछ चेंज होगा और वो स्पीसीज शायद आगे जाके ज्यादा सरवाइव करे इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज, ओके।
तो वही बताया जा रहा है, इट वुड देयरफॉर मेक सेंस इफ ऑर्गेनिज्म केम विद द रिप्रोडक्टिव मोड दैट अलाउ मोर एंड मोर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। तो इसका एक सेंस ये आया कि अगर रिप्रोडक्टिव मोड हम अलाउ करते हैं तो इसका मतलब ये कि वेरिएशन आएगा, ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन जनरेट यहाँ पे को होने वाला है, ठीक है। रिप्रोडक्शन अलाउ करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली अलाउ करेगा कि वेरिएशंस हो। तो एक फायदा ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं, और एक सिंपल सा टर्म तो ये कि वेरिएशंस क्यों आते हैं, क्योंकि उसमें मेल पेरेंट भी है और फीमेल पेरेंट भी है। तो आधे कैरेक्टर जब मेल के जाएंगे, आधे कैरेक्टर फीमेल के जाएंगे, तो वो मेल और फीमेल भी तो अलग अलग है ना। उस मेल के बॉडी के फीचर अलग हैं, उसमें वो मेल अलग दिखता है, वो फीमेल पेरेंट अलग दिखती है। तो उस फीमेल पेरेंट के 50% कैरेक्टर चले गए, मेल पेरेंट के 50% कैरेक्टर चले गए, तो वो तो खुद ही तो अलग हो गए ना, वो तो खुद भी अलग है। तो वो वेरिएशन तो आने ही आने हैं जीन में, कहीं ना कहीं डीएनए में एरर तो आएगा ही। वो हो सकता है नए कैरेक्टर्स के साथ आए, उनके पुराने कैरेक्टर। अब देखिए वेरिएशन का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जो दोनों पेरेंट थे, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, दोनों ही डार्क स्किन वाले थे, मतलब कि मेलेनिन उनकी बॉडी में ज्यादा था। लेकिन जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं ना, वो ऑफस्प्रिंग्स कौन से कलर वाले हैं, फेयर स्किन वाले हैं। तो क्या हुआ, वेरिएशन कह सकते हैं हम इसे, चेंज कह सकते हैं, या दोनों ही फेयर स्किन वाले थे और जो ऑफस्प्रिंग है वो डार्क स्किन वाली है, एक वेरिएशन हम कह सकते हैं। दोनों ही पेरेंट्स कर्ली हेयर वाले थे लेकिन ऑफस्प्रिंग जो है वो स्ट्रेट हेयर वाले हैं, एक वेरिएशन, एक चेंज हम कह सकते हैं। तो ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है क्योंकि हमें पता है एक्यूरेट तो होती ही नहीं है, डीएनए की जो कॉपी है वो एक्यूरेट तो हो ही नहीं रही है। तो कुछ ना कुछ चेंज आ रहे हैं, अपने कैरेक्टर भी वो ले आ रहा है, कुछ ना कुछ जीन में, कुछ ना कुछ डीएनए के एक जगह में, एक सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ी तो हो रही है, कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है कर्ली हेयर, जहाँ पे को दोनों जीन उसके लिए, उसके पास दोनों के जीन, दोनों पेरेंट्स से मिले हुए जीन उसके पास कौन से थे, कर्ली हेयर के थे, लेकिन उसको कहाँ से मिले, कौन से उसको, स्ट्रेट हेयर वाला। यानी कि उसने कर्ली हेयर वाले जीन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसको उसने हटा दिया, डिलीट कर दिया उसे उसने, तो उसकी जगह एक नया जीन आया जो कि स्ट्रेट हेयर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये एक वेरिएशन है, ठीक। तो वाइल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट, हमें पता है कि एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होती है, दे आर प्रिसाइज इनफ टू मेक, प्रिसाइज मीन्स शुद्ध, मतलब इतनी शुद्धता उनमें होती है, इनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ फेयरली स्लो प्रोसेस। तो इतना उनके पास होता है कि जनरेशन में जो वेरिएशन आ रहे हैं थोड़ा सा स्लो प्रोसेस वो कर दे, प्रोसेस स्लो होगी बेटा, वेरिएशन की प्रोसेस ना हमेशा स्लो होती है। कभी भी ये जो हम वेरिएशन पढ़ रहे हैं ना, कर्ली हेयर वाला या स्किन कलर वाला, ये तो ठीक है, ये एक चेंज की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ समझाने तक ठीक है। लेकिन अगर एक वेरिएशन की बात करें ना, जैसे कि हमने शायद एग्जांपल पढ़ा होगा पहले कि एक वॉर्म होता है, जो शायद आपको नहीं बताया है, तो वॉर्म होता है, या बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि पहले से ही सालों से, 200 300 सालों से वो बहुत ही माइनस डिग्री टेम्परेचर में रहने की के लिए कैपेबल होती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे 100 200 300 साल बाद उनकी जो स्पीसीज बढ़ रही है ना, जैसे वो अगर एक स्पीसीज है वो 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री में रहने की कैपेबिलिटी रखती थी, तो हम देख रहे हैं कि जनरेशन टू जनरेशन कभी वो 1.2, अब दूसरी उसकी जो नेक्स्ट स्पीसीज आई 1.3, नेक्स्ट स्पीसीज आई 1.4 डिग्री के आसपास भी सर्वाइव कर पा रही है। तो ये है, ये 100 200 300 400 साल बाद आते हैं, वेरिएशन की प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है। ये वेरिएशंस क्या होते हैं, बहुत सालों बाद आते हैं, बहुत सालों और हो भी रहे हैं तो जो नजर आएंगे या अगर हम देख पाएंगे तो वो बहुत सालों बाद वो देख पाते हैं, ठीक है। तो स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए वेरिएशन जरूरी है। तो बोल रहा है इफ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट, अगर लेस एक्यूरेट ये थे या हैं, तो मैनी ऑफ रिजल्टेंट डीएनए कॉपीज वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द सेलुलर एपरेटस। तो ऑब्वियस सी बात है, तो बहुत सारी ऐसी रिजल्टेंट डीएनए कॉपी होंगी जो कि आपस में काम नहीं कर पाएंगी और उनकी डेथ हो जाएगी, काम ही नहीं कर पा रहा है सेल, अगर काम ही नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डेथ हो जानी है उनकी, उनको सर्वाइव करना ही नहीं है। तो सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरियंट वेरियंट्स बी स्पीडेड अप, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन अ डीएनए कॉपी दैट ऑलरेडी हैज़ वेरिएशंस एक्युमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। अब हमें पता है कि कोई भी नया जनरेशन में, किसी भी नई जनरेशन में अगर कोई भी नया वेरिएशन आ रहा है, मतलब डीएनए की कॉपी में नया वेरिएशन आ रहा है, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो पहली जनरेशन में थी। मीन्स कि
थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, थोड़ी 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 पॉइंट का माइन्यूट जो होता है ना, वो आते ही रहता है हर जनरेशन में. चेंजेस जो आते हैं तो वो ऑलरेडी पहले से ही, पहले जनरेशन से तो हमारे पास रहता ही है. दस टू डिफरेंट इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न ऑफ एक्यूमुलेटेड वेरिएशन. एक्यूमुलेटेड मीन्स संचय करना, हम इसे कहते हैं नॉर्मली बचा के रखना कहा जाता है इसे. तो जो प्रीवियस जनरेशन की जो इन्फॉर्मेशन है, जो दो डिफरेंट इंडिविजुअल है उनका पैटर्न कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही ना, कहीं पे डीएनए के एक सीक्वेंस में तो अलग होगा ही होगा, है ना, क्योंकि चेंज आ रहा है, हम बात कर रहे हैं. तो सिंस ऑल ऑफ दीज वेरिएशन आर इन अ लिविंग इंडिविजुअल, अब ये सभी वेरिएशन क्या है, एक लिविंग इंडिविजुअल्स में हो रहे हैं या लिविंग इंडिविजुअल में है, इट इज एश्योर दैट दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफेक्ट. तो ये एश्योर कर रहा है कि बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट या बैड इफेक्ट इसका बहुत कम है. ठीक है, वेरिएशन अगर आएंगे तो ये फायदा ही करेगा ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि वो स्पीसीज को कंटिन्यू कर रहा है, हमें पहले ही बता दिया. ठीक है, सर्वाइवल के लिए वो अच्छा है. तो कंबाइनिंग वेरिएशन फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल, हम ये जैसे आप ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना कि हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों, लेकिन हम वेरिएशन पढ़ रहे हैं. तो बेटा वेरिएशन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इंपॉर्टेंट रीजन है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाई, तो वो वेरिएशन के लिए ही है. और वेरिएशन क्या करता है, स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है वेरिएशन, इसलिए हम वेरिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, सिंस ऑल ऑफ दीज वेरिएशन आर इन लिविंग इंडिविजुअल, इट इज अश्योर्ड दैट दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफेक्ट्स. कंबाइनिंग वेरिएशंस फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल्स वुड दस क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियंट्स. ठीक हो गया, फिर हम क्या कर रहे हैं, कंबाइनिंग वेरियंट्स को कंबाइन कर रहे हैं दो या ज्यादा इंडिविजुअल्स है, तो ये क्रिएट करेगा एक नया कॉम्बिनेशन, ये ले आएगा, और हर एक कॉम्बिनेशन एक नोवेल होगा, बिल्कुल यूनिक होगा, बहुत अच्छा होगा. सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, क्योंकि ये दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स इसमें इन्वॉल्व हैं इसलिए वो नोवेल होगा. ठीक है, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर हम इतने की मैं आपको अगर समरी बताऊं तो इसमें ये कहा जा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है. तो वो अगर मैं छोटे से वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो वेरिएशन के लिए, चेंजेस के लिए, और चेंजेस क्यों, ये वेरिएशंस क्यों, क्योंकि वेरिएशन क्या करते हैं, श्योर करते हैं कि ये स्पीसीज आगे जाके सर्वाइव करेगी. और वेरिएशन आते ही इसीलिए हैं, टाइम टू, जैसे ना आज से 10 साल पहले जब आप छोटी क्लासेस में थे, मान लीजिए आज से जब आप फिफ्थ में रहे होंगे, 5 साल पहले की बात मान लेते हैं, आप फिफ्थ क्लास में थे, तो तब आपने, आपको याद है टेम्परेचर कैसा था हमारे पिथौरागढ़ का ही हम मान लेते हैं, चलिए, तो टेम्परेचर कैसा था, आई थिंक इतना ज़्यादा चेंज, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, इतना ज़्यादा ठंड भी नहीं होता था, लेकिन इन 5 सालों में ही कितना चेंज आ गया ना, टेम्परेचर में ही कितना चेंज आ गया है, और यहाँ पर रहने वाले लोगों में चेंज आ गया. तो एक चेंज की हम बात कर रहे हैं ना, तो टेम्परेचर हमने देखा 5 साल में ही बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ये हो गया है, गर्मी भी पड़ने लगी है, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, तो ये एक चेंज है. अब इसी हिसाब से अब ये लगातार चेंज होते ही रहेगा, ठीक है, हमेशा चेंज होते ही रहेगा, ये 5 6 साल 10 15 साल बाद, तो वैसे ही जो आने वाली जनरेशन होंगी उनकी बॉडी में भी थोड़ा, अब इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा कि अगली जनरेशन में आके दिखाई दे, इतनी जल्दी चेंजेस नहीं शो होते हैं, ठीक है, वेरिएशन इतनी जल्दी शो नहीं होते, लेकिन माइन्यूट, बहुत इतना पॉइंट के बराबर ना, इस पॉइंट के बराबर वेरिएशन हर स्पीसी, हर जेनरेशन में, हर स्पीसीज में जरूर आ रहा होगा. और जिस स्पीसीज में ये वेरिएशन नहीं होंगे, जिस स्पीसीज में ये वेरिएशन नहीं आ रहे होंगे, श्योर है कि वो स्पीसीज आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी, उस स्पीसीज का कुछ नहीं रह जाएगा, उस स्पीसीज के ना ही कोई मेल रह जाएगा, ना ही कोई फीमेल रह जाएगा. ठीक है, और स्पेशली वो स्पीसीज जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली है, तो मुश्किल हो सकता है. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट्स सच अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. ठीक है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, मेल और फीमेल कंबाइंड हो रहे हैं, उनका डीएनए कंबाइंड हो रहा है, तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है, डीएनए कंबाइंड हो रहा है. ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही थ्रू हो सकता है, लेकिन अगर हम एक अलग तरीके से सोचें ना, तो एक डिफिकल्टी नहीं क्रिएट कर रहा है, अगर हर एक नई जनरेशन को हम कह रहे हैं कि वो अपनी प्रीवियस या पहले से एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल की अगर कॉपी है, उसके बाद जो नई जनरेशन बनेगी वो तो इसी हिसाब से बनेगी. ठीक है, ट्वाइस अमाउंट में उसके पास डीएनए, एक मैस नहीं क्रिएट हो जा रहा, मतलब कि कैसे सेल काम करता होगा, कैसे ये मिक्स हो जाते हैं, कैसे कैरेक्टर मिक्स नहीं हो जाते होंगे, ये आ रहा है दिमाग में, एक प्रॉब्लम नहीं
लग रही है आपको, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, वी हैव सीन अर्लियर दैट एज ऑर्गेनिजम्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, टाइम टू टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होते ही जा रहे हैं। तो जो स्पेशलाइजेशन है ना वो क्यों हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि टिश्यूज हमारे सेल्स ये स्पेशलाइज हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है वेरिएशन आ रहे हैं, जायगोट जो बन रहा है वहीं से स्पेशलाइज हो जा रहे हैं टिश्यूज सेल, तो इस वजह से हो रहा है ना। तो द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीजेज, वन सॉल्यूशन दैट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव फाउंड फॉर द प्रॉब्लम मैंशन अबव इज टू हैव स्पेशल लीनियज ऑफ सेल इन स्पेशलाइज ऑर्गन इन विच ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डी एन ए एज कम्पेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। तो देखिए होता क्या है कि एक सॉल्यूशन इसका ये है मल्टी सेलर बॉडी में, कि ये देखा गया कि जो मैसअप कभी नहीं होता है, कभी भी मिक्सिंग नहीं होती है, कभी भी ट्वाइस थ्राइस फॉर्म में ऐसे नहीं आता है। तो इसमें होता क्या है कि जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज ऑर्गन जो होते हैं, इन विच ओनली हाफ द नंबर, जिनके पास सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, हाफ नंबर अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, अगर हम नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करते हैं, तो उनके पास सब कुछ हाफ हाफ अमाउंट में होता है। दिस इज अचीव बाय अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस, ये होता है मियोसिस की वजह से। देखिए ये तो आपको पता है ना कि ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इन 46 क्रोमोसोम्स में 23 क्रोमोसोम्स दो पार्ट में डिवाइड होगा ना, तो 23 क्रोमोसोम्स मेल पेरेंट से मिलेंगे, 23 क्रोमोसोम्स फीमेल पेरेंट से मिलेंगे, तभी तो वो 46 हो जाएगा ना, तब आएगा। तो मतलब कि अगर ये ट्वाइस हो जाता तो सोचो, मींस कि अगर 46 मदर से 46 फादर से अगर आ जाता तो क्या करते फिर, मेल से और फीमेल से 46 आ जाते तो फिर मैसअप होता ना, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। होता क्या है, 23 मेल से और 23 फीमेल पेरेंट्स ऐसे आता है ना, तब जाके होगा। मींस कि अगर मैं हूँ तो मेरी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और मुझे अपने मदर फादर से, मदर से 23 क्रोमोसोम्स मिले थे और फादर से भी 23 क्रोमोसोम्स मिले थे, तब जाके 46। ऐसे आपकी बॉडी में आपकी मेल पेरेंट से आपको 23 क्रोमोसोम मिले, फीमेल पेरेंट से आपको 23 क्रोमोसोम मिले, और इन दोनों ही का कॉम्बिनेशन 46 क्रोमोसोम्स आपकी बॉडी में हो गए। और ये होता कैसे है, ये होता है मियोसिस की वजह से, जहाँ पे हमने पढ़ा था नंबर क्या हो जाता है, हाफ एन पढ़ा था ना हमने, 2n होता है माइटोसिस में और मियोसिस में होता है n, तो ये इसी वजह से होता है, ठीक है, ऐसे ही ये होता है। ओके, तो अब आ गया होगा ना समझ में, मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम। देखिए अगर मैं मेल की बात करूँ, एक मेल है एक फीमेल है, इसकी बॉडी में भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसकी बॉडी में भी 46 क्रोमोसोम हैं, लेकिन जो इनका इंडिविजुअल जो ऑफस्प्रिंग आया उसकी बॉडी में इससे सिर्फ 23 गए, इसके भी इसके सिर्फ ये 23 गए और इन्होंने बनाया 46। तो अब बाकी का क्या हुआ फिर, मतलब ऐसा नहीं है कि इनके बाकी के 23 क्रोमोसोम्स वेस्ट हैं, इन 46 में से ही मिक्स होके जिसमें से डीएनए कॉपी हुआ होगा, जिन क्रोमोसोम्स की कॉपी हुई होगी, जिस पार्ट्स की डीएनए की कॉपी हुई होगी, उसमें से 23 सेलेक्टेड 23 यहां से भी सेलेक्टेड 23 और यहाँ के 46 हो, ठीक है, उसमें बहुत सारे जीन्स फिर उनके साथ आए, कैरेक्टर्स के साथ आए। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो अब यहाँ पे ये क्या होता है, हाफ नंबर में आता है, और ये किस वजह से होता है, मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, 46 के 23 हो गए, है ना। दस व्हेन दी जर्म सेल फ्रॉम टू इंडिविजुअल कंबाइन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, इट रिजल्ट इन री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द डीएनए कंटेंट इन द न्यू जनरेशन। तो जब भी ये जर्म सेल्स, ये 23 सेल वाले जो जर्म सेल्स होंगे वो कंबाइंड होंगे आपस में, जब भी ये आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या करते हैं, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं, और इट रिजल्ट इन द री एस्टैब्लिशमेंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम का री एस्टैब्लिशमेंट होता है डीएनए कंटेंट से, ठीक है, एंड द डीएनए कंटेंट इन द न्यू जनरेशन, एक डीएनए कंटेंट जाता है न्यू जनरेशन में। ओके, तो आगे, इफ द जायगोट इज टू ग्रो एंड डेवलप इन टू एन ऑर्गेनिज्म विच हैज हाईली स्पेशलाइज टिश्यू एंड ऑर्गन, अब जो जायगोट डेवलप हो रहा है उसके पास हाईली स्पेशलाइज ऑर्गन है, देन इट हैज टू हैव सफिशियंट स्टोर ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दिस। तो इसका मतलब कि उसके पास इतनी सफिशियंट एनर्जी तो है कि
इतनी एनर्जी तो है कि वो इन सारी चीज़ों को क्या कर सके, स्टोर कर सके, मतलब कि स्पेशलाइज रह रहा है तो उसके पास इतनी एनर्जी भी होनी चाहिए, तो इसी हिसाब से वो बना होगा, इसी हिसाब से उसमें चेंजेज आए होंगे, है ना। इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स, अगर सिंपल ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं, इट इज़ सीन दैट द टू जर्म सेल आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, तो हम देखते हैं कि दोनों ही जो जर्म सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं, और में इवन भी सिमिलर हो सकता है, कभी कभी सिमिलर भी हो, तो बट एज द बॉडी डिज़ाइन बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, तो जैसे जैसे बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो जर्म सेल्स होंगे वो भी स्पेशलाइज हो जाएंगे, फिर पहले सिमिलर बॉडी थी, सिमिलर बॉडी में सिंपल बॉडी थी, सॉरी सिंपल बॉडी थी, हमने कहा कि ठीक है उसकी बॉडी में जो जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स को जर्म सेल्स कहा जाता है, ठीक है, तो ये जर्म सेल भी नॉर्मल से थे, सिमिलर दिखाई देते थे, तो बहुत कम चेंजेस था, लेकिन जैसे जैसे स्पीसीज आगे बढ़ी वैसे वैसे हमने देखा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिटी की तरफ वो स्पीसीज बढ़ रही है, तो जर्म सेल्स में ऑब्वियसली बात है, जर्म सेल्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी, कुछ ना कुछ चेंजेज उसमें आ रहे होंगे, इसका मतलब जो जर्म सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन द फूड स्टोर वाइल द अदर इज स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोटाइल, एक जर्म सेल क्या होता है, बड़ा होता है, जो कि फूड स्टोरेज का काम करता है, ताकि अगर जायगोट बन रहा है तो उसे खाना भी तो मिले ना, न्यूट्रिएंट्स भी तो मिले। दूसरा छोटा है और मोटाइल है, मोटाइल मीन्स नॉर्मली मेल जो गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, फीमेल बॉडी में एंटर करता है जर्म सेल, तो कन्वीनियंटली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमेट, तो जो मोटाइल यानी कि जो मोटाइल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला जो मोटाइल जर्म सेल होता है वो मेल गैमेट होता है, एंड जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड द फीमेल गैमेट, तो वो जर्म सेल जिसमें कि स्टोर फूड मटेरियल प्रेजेंट रहता है उसे फीमेल गैमेट कहा जाता है। वी शैल सी इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस हाउ द नीड टू क्रिएट दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स गिव राइज टू डिफरेंसेज इन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इन सम केसेस डिफरेंट इन द बॉडीज ऑफ द मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो अब जो आगे हमने पढ़ना है, आगे के सेक्शन में हमने यही पढ़ना है कि कैसे ये दो मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल मीन्स मेल सेल, मेल जर्म सेल, एंड नॉन मोटाइल मीन्स फीमेल जर्म सेल, कैसे इन दोनों के ही बेसिस पे बॉडी में चेंजेज आते हैं, कैसे इन दोनों के बेसिस पे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनते हैं, तो ये सारी चीजें हमने पढ़नी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम स्टार्ट इसको करेंगे। अब आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो सेल्स की जरूरत पड़ती है, दो सेक्स सेल्स की यहाँ पे कोई जरूरत पड़ती है, एक जो होता है वो होता है मेल सेक्स सेल, ठीक है, उसे कहा जाता है मेल सेक्स सेल, ठीक है। दूसरा है क्या, फीमेल सेक्स सेल, ओके। वन इज हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन इज मेल सेक्स सेल, अनदर इज फीमेल सेक्स सेल, ठीक है। तो अब देखिए, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो एक नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जायगोट का, और इस प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है, फर्टिलाइजेशन कह दिया जाता है। ये जायगोट आगे बढ़ता है और एक कंप्लीट इंडिविजुअल, एक नए इंडिविजुअल में ये क्या हो जाता है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब देखिए हो क्या रहा है, इनका कोई नाम होगा, यस। अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस में या एनिमल्स में, तो मेल सेक्स सेल को कहा जाता है स्पर्म, आपने ये नेम सुना है, और फीमेल सेक्स सेल्स को कहा जाता है एग, ठीक है, और गैमेट्स भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। गैमेट, इसे मेल गैमेट कह दिया जाएगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ओके। तो मेल सेक्स सेल इज ऑल्सो नोन एज स्पर्म, स्पर्म सेल भी आप इसे कह सकते हैं, एग सेल भी आप इसे कह सकते हैं, मेल गैमेट आप इसे कह सकते हैं, फीमेल गैमेट आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक मेल गैमेट और स्पर्म को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, एग को कुछ इस तरीके से, एग या ओवा भी इसे कहा जाता है, तो एग को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। तो जब भी मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है
एग के साथ कुछ इस तरीके से, जब इनमें फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन मीन्स जुड़ जाना, जब ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो एक नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं, उस नए सेल को हम कह देते हैं जायगोट, और यही जायगोट आगे जाके एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब डिपेंड करता है स्पीसीज की टाइमिंग में, गेस्ट्रेशन पीरियड में, गेस्ट्रेशन चलिए बाद में पढ़ेंगे, गेस्ट्रेशन पीरियड एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब दो टाइप के हो गए फिर, मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल। तो अब यही इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो देखिए, अब सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स की जब भी हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में फ्लावर तो आ ही रहा होगा, है ना, फ्लावर तो आपने देखे ही है, जैसे कि आपको इसमें भी दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लावर के पार्ट कौन कौन से। ठीक है, अब क्या ऐसा भी होता है कि फ्लावर में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो कैसे होता है, अगर होता है तो कैसे होता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, हमें दे रखा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में तो होता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, फ्लावरिंग प्लांट को किस ग्रुप में रखा गया है या किस में रखा गया है। तो द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म फैमिली में आते हैं। ठीक है, इस ग्रुप में इसको रखा गया है। तो द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन फ्लावर, फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि अगर हम सीधे सीधे बोलें तो ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों होंगे। ठीक है, मेल गैमेट भी होगा, फीमेल गैमेट भी हो सकता है, और हो सकता है एक फ्लावर में एक ही गैमेट हो, जैसे ह्यूमन बींग में है तो एक मेल है एक फीमेल है ना, तो वैसे ही फ्लावर में भी हो सकता है एक फ्लावर मेल होगा दूसरा फ्लावर फीमेल होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कोई ये भी पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी क्या, ऐसा भी होता ही है कि एक ही पार्ट में मेल भी है और एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही है। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशंस हमें यहाँ पे को देखने को मिलेंगी, और वो फ्लावर जिनमें कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं एक ही फ्लावर में, उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। क्यों बाइसेक्सुअल, क्यों, क्योंकि दो दो सेक्सेस हैं ना उनके पास, उनकी बॉडी में दो सेक्सेस हैं, मेल भी है और फीमेल भी है। बाइसेक्सुअल उसे कहा जाता है जिसकी बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। तो इसके एग्जाम्पल आया आपके दिमाग में है, लीली, रोज, हिबिस्कस, इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, लीली, रोज एक्सेट्रा, इसके एग्जाम्पल। और वो फ्लावर जिनमें कि या तो मेल पार्ट ही होगा या फीमेल पार्ट ही होगा, तो उसे क्या बोल देंगे, यूनिसेक्सुअल। यूनि मीन्स वन होता है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के जो एग्जाम्पल हैं वो किस किस में, कौन कौन से फ्लावर होते हैं, जैसे पपाया, पपाया का ये एग्जाम्पल होता है, और वाटरमेलन, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो अब देखो फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड के थ्रू, इट मीन्स कि उसके पास मेल और फीमेल दो सेल्स हैं, और जो सेक्स ऑर्गन है इसके फ्लावर के पार्ट्स में प्रेजेंट हैं, या तो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं या अलग अलग फ्लावर में अलग अलग प्रेजेंट है। ठीक है, मेल और फीमेल प्रेजेंट है। तो अब सबसे पहले डायग्राम देखते हैं, देखिए ये हमारा डायग्राम, और अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद ही बना के दिखाऊं तो मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के भी दिखाती हूं। मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूं, ठीक है, वैसे तो आपकी बुक में भी है ही।
चलिए देखिए, ये तो एक रफ डायग्राम हो गया फ्लावर का, हालांकि बहुत अच्छा ये बना नहीं है, तो चलिए अभी हमने समझना है। तो देखिए ये नॉर्मली क्या कहते हैं इनको, हम पेटल्स कहते हैं ना, कहते हैं पेटल ही तो कहते हैं शायद, पेटल, और इनको क्या कह दिया जाता है, सेपल। ये नॉर्मली कौन से कलर का होता है, ये नॉर्मली होता है ग्रीन कलर का। ऑलमोस्ट आपने देखा होगा नीचे से, फ्लावर के नीचे से लगा हुआ रहता है, तो ये कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। मैंने तो ऑलमोस्ट ग्रीन ही देखा है, लेकिन किसी किसी में अलग भी होता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये ही हो, तो ये अलग अलग कलर के भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पहले लेबल कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है। तो इसे तो कहा जाता है पेटल, ठीक है, पेटल, और नीचे वाले पार्ट को कह दिया जाता है सेपल, जो कि ग्रीन कलर का होता है। फिर आता है एक रेसिपेक्टल, जो कि स्टॉक होता है ना, ये होल्ड करके रखता है इसको, और ये लोअर स्टेम होता है, नीचे वाला पार्ट, या इसको नॉर्मली रेसिपेक्टल कहा जाता है, यहाँ तक वाले पार्ट को। और अब हाँ, अब देखिए, ये वो फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों हैं। मैं कैसे कह रही हूँ ये, इसको कहने का रीज़न क्या है, इसमें दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये और ये दोनों पार्ट हैं मेल, मेल पार्ट है, जिसे कि क्या कहा जाता है, एंथर। नॉर्मली स्टेमेन होता है, लेकिन ये जो पार्ट है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एंथर वाला पार्ट है, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और ये जो ये स्ट्रॉक जैसा आपको दिख रहा है, इसे कहा जाता है फिलामेंट। ओके, वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे, तो अभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अभी बस याद रखने हैं कि नाम क्या क्या है, ठीक है। और इन दोनों को एक साथ हम कह देते हैं स्टेमेन, STAME, ठीक है, इन दोनों को एक साथ स्टेमेन कहा जाता है। अब ये वाला पार्ट क्या है, ये पार्ट होता है फीमेल पार्ट, ये और ये दोनों तो मेल पार्ट है, ठीक है। एंड दिस वन इज नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसका जो टिप वाला पार्ट है, इसका टिप वाला पार्ट तो एंथर था, इसका टिप वाला पार्ट इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रिग्मा, ठीक है, इसे क्या कह दिया हमने, स्ट्रिग्मा। और इसके बीच वाला पार्ट होता है हमारा स्टाइल, और ये लास्ट सूजा हुआ पार्ट, उभरा हुआ पार्ट हमें नजर आ रहा है ना, इसे ओवरी कह दिया जाता है। और इन तीनों को कलेक्टिवली बोल दिया जाता है कार्पेल और पिस्ट्रिल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज कार्पेल और पिस्ट्रिल, एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज स्टेमेन। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज कार्पेल और पिस्ट्रिल, एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज स्टेमेन। स्टेमेन कंसिस्ट एंथर एंड फिलामेंट, एंड कार्पेल कंसिस्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ना है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक चीज मैं और बताऊं, जो ये पेटल और सेपल आपने देखे, ये जो पेटल होते हैं, इन पेटल्स को कहा जाता है कोरोला, COROLLA, इनको कहा जाता है कोरोला। और जो ये सेपल होते हैं, नीचे वाला जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, इसे कहा जाता है कैलिक्स, ठीक है। ये कैलिक्स कोरोला, ये है कैलिक्स, सेपल वाला पार्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है, और ऊपर जो कलरफुल पार्ट होते हैं, तो किसी भी कलर का हो सकता है ना, कोई भी कलर इसमें हो सकता है, पिंक, रेड, ऑरेंज, किसी भी कलर का फ्लावर हो सकता है ये, जैसे लीली, हिबिस्कस वगैरह होते हैं, ये तो अलग ही कलर रहता है ना, पिंकिश टाइप का, तो किसी भी कलर का, ये तो कलरफुल पार्ट होता है, तो कलरफुल पार्ट इज नोन एज पेटल, एंड पेटल इज ऑल्सो नोन एज कोरोला, एंड द ग्रीनिश पार्ट इज नोन एज सेपल, एंड सेपल इज ऑल्सो नोन एज कैलिक्स, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज नोन एज एंथर, दिस वन इज फिलामेंट, एंड दिस वन इज स्ट्रिग्मा, दिस वन इज स्टाइल, एंड दिस वन इज ओवरी, ठीक है, यही पार्ट हमने, और दिस वन इज रेसिपेक्टल, एंड दिस वन इज लोअर स्टेम। तो ये तो हमने बस इतना ही, सबसे पहले तो हमें इतना ही पता होना चाहिए कि फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से, ठीक है। अगर आपको फ्लावर के पार्ट्स ऐसे शो करने आ गए, तो आधा तो आपको ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो चलिए अब वन बाय वन क्यों ना हम इनके बारे में पढ़ें, क्यों ना इन पार्ट्स के बारे में ही, सबसे इससे पहले कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ें, या इस फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड पढ़ें, तो क्यों ना हम सबसे पहले इसके पार्ट्स को जानें, क्योंकि अगर हमें पार्ट्स नहीं आएंगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, हम आगे सीख ही नहीं पाएंगे ना। तो लेट्स स्टार्ट विथ देयर पार्ट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन से पार्ट से,
नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रेसिपेक्चुअल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो रेसिपेक्चुअल क्या होता है ना, बेस होता है। ये आपने देखिए, आपने कोई भी फ्लावर अगर देखा होगा, अभी मेरे आसपास कोई फ्लावर है नहीं वरना मैं आपको दिखाती, कोई भी फ्लावर अगर आपने देखा है तो नीचे से कुछ इस तरीके का होता है ना, जो कि ऐसा लगता है इसी ने पूरे पेटल को, पूरे फ्लावर को होल्ड करके रखा है। जब आप इसकी पंखुड़ियों को, पेटल मीन्स पंखुड़ियाँ तो होती है ना, जब इसकी पंखुड़ियों को खींचते हैं तो इसी में से तो निकलता है ना सारा, इसी वाले पार्ट से तो निकलता है। यही पार्ट होता है रेसिपेक्चुअल, और यही रेसिपेक्चुअल क्या होता है, बेस होता है। जितने भी फ्लावर है, जो भी फ्लावर है, उसका बेस क्या होता है, ये रेसिपेक्चुअल होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, द बेस ऑफ अ फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर्स आर अटैच्ड इज कॉल्ड रेसिपेक्चुअल, ठीक है। तो जब आप इसके बारे में लिखेंगे, जब आप नोट्स बनाएंगे, तो रेसिपेक्चुअल के बारे में क्या लिखेंगे, द बेस ऑफ अ फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अटैच्ड इज कॉल्ड रेसिपेक्चुअल, सारे के सारे पार्ट इससे जुड़े हुए रहते हैं, ओके। तो ये हो गया रेसिपेक्चुअल। सेकेंड वन इज सेपल, तो इसके ठीक ऊपर क्या है, सेपल। अब देखिए सेपल क्या होते हैं ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ की तरह ग्रीनिश कुछ इस तरीके से, सॉरी जरूरी नहीं दो ही हों, ठीक है, और भी हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से रहता है ना, ज्वाइन रहते हैं इस तरीके से। तो ये क्या होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द आउटर मोस्ट सर्किल, आउटर मोस्ट सबसे बाहर पे ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, सबसे बाहर ये प्रेजेंट रहते हैं। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, ठीक है। जैसे कि बर्ड जो बनते हैं ना, ये तो कंप्लीट फ्लावर है, छोटे छोटे बर्ड्स जो अभी डेवलप ही नहीं हुए हैं, देखिए छोटे छोटे बर्ड्स कैसे कवर रहते हैं। मान लो ये एक फ्लावर है, ग्रीन कलर तो ये चल नहीं रहा है बेटा, तो ये है, अगर नया फ्लावर बन रहा है तो कुछ इस तरीके से होता है ना, ऐसे ही तो होता है, नीचे से स्टॉक होगा जो भी है। तो ये क्या रहता है, पूरी तरीके से इसको बंद नहीं किए रहता है, पूरा क्लोज करके रखता है ना इसे, तो इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का, ठीक है। मेन काम इसका यही है कि जब भी बर्ड वाली स्टेज में होता है फ्लावर, तो उसे वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ऑल द सेपल्स आर कलेक्टिवली नोन एज कैलिक्स, तो जितने भी सेपल्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी सेपल होंगे, अगर एक होगा, सिंपल सिंगल एक होगा, इंडिविजुअल होगा, तो उसे सेपल कह देंगे, लेकिन ऑल द सेपल्स, जितने भी सेपल्स होंगे, ऑल द सेपल्स आर कलेक्टिवली नोन एज कैलिक्स, ठीक है। तो आपने नोट्स भी ऐसे ही बनाने हैं, आप ध्यान दीजिए कि मैं कह क्या रही हूँ। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एज द आउटर मोस्ट सर्कल, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बर्ड इन द इनिशियल स्टेजेस, ऑल द सेपल्स आर कलेक्टिवली नोन एज कैलिक्स। अच्छा पता है आपको, चलिए बाद में इसके बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वन इज पेटल, अब आते हैं पेटल के बारे में, पेटल की बात करते हैं। पेटल्स यानी कि पंखुड़ियाँ जो होती हैं किसी भी फ्लावर की, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, आपने देखा होगा, बहुत ही ब्राइट कलर की होती हैं ऑलमोस्ट फ्लावर में, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लावर में ऐसा होता है कि आपने जितनी भी देखी होंगी, बहुत कलरफुल, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल वो लगता है, मतलब कोई भी अट्रैक्ट उनसे हो जाता है ना, बहुत अच्छे लगते हैं। तो दे आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड, ब्राइट कलर के होते हैं, और ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, ये अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसी ऐसे खुला थोड़ी ना होता है, ऐसे कभी खुला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा आपने, नहीं, ये सारे के सारे क्या रहते हैं, बहुत सारे पेटल्स होते हैं इसमें, और अंदर कहीं ये ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना, तो अंदर कहीं होते हैं, आप इनको सारे पेटल्स को हटाएंगे तब जाके आपको ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दिखेंगे। तो ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और साथ ही साथ देयर फंक्शन इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। यस, इनका काम क्या, ये इतने सुंदर क्यों होते हैं, क्यों ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, क्योंकि अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू हुआ, वो पॉलिनेशन जो इंसेक्ट कर रहे हैं, इंसेक्ट के थ्रू होगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये अट्रैक्ट कर पाएँ, और अट्रैक्ट तब कर पाएंगे जब एक बहुत अच्छी स्मेल इनके पास होगी, दूसरा कलर, पहले तो कलर, दूर से ही अगर कोई इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा तो वो इनके कलर से होगा, दूसरा इनके स्मेल से होगा। तो ब्राइटली कलर्ड इसीलिए होते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, तो इंसेक्ट इनसे, इनका कलर ही ब्राइट इसलिए होता है ताकि ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है फिर बेटा कि
अदर फ्लावर जो ब्राइटली कलर्ड नहीं होते हैं, जो कलरफुल नहीं होते हैं, उनमें पॉलिनेशन नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उनमें किसी और के थ्रू होगा, विंड के थ्रू हो जाएगा, अगर इंसेक्ट के थ्रू नहीं हो रहा है तो इट्स ओके। और वाटर में रहने वालों का वाटर के थ्रू हो जाएगा, विंड के थ्रू हो जाएगा, बर्ड्स के थ्रू इवन होता है, तो बहुत अदर भी होते हैं, ठीक है, अदर भी ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन इंसेक्ट पॉलिनेशन इनमें होता है। जो मोस्टली ब्राइट कलर के जो होंगे उनमें ऑलमोस्ट इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो आया ना समझ में। और सभी पेटल को, जितने भी पेटल होंगे, ऑल द पेटल्स आर कलेक्टिवली नोन एज कोरोला, ठीक है, इनको कोरोला कह दिया जाता है। कैलिक्स सेपल, ऑल द सेपल्स आर कलेक्टिवली नोन एज कैलिक्स एंड ऑल द पेटल्स आर कलेक्टिवली नोन एज कोरोला, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब देखिए, अब बात करते हैं, ये तो हमने इनके पार्ट्स की बात कर दी, ठीक है। अब हमारा मेन पार्ट क्या आ रहा है, मेल एंड फीमेल पार्ट आ रहा है ना। तो चलिए अब देखते हैं स्टेमेन के बारे में जानते हैं। स्टेमेन दिस पार्ट जिसमें कि जो कंसिस्ट करता है एंथर एंड फिलामेंट को, तो इसकी बात करते हैं। ये पार्ट है हमारा एंथर, ये पार्ट है फिलामेंट, ठीक है। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके पास दो चीज़ें हैं, उसके पास दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज एंथर, सेकंड वन इज फिलामेंट, ठीक है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये फिलामेंट आपको नजर आ रहा है, इसे हमने फिलामेंट बोल दिया, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कंसिस्ट करता है तीन पार्ट को, जिसे कि हम कार्पेल और पिस्टल कहते हैं। और दीज थ्री पार्ट्स आर स्ट्रिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। टिप वाला पार्ट है स्ट्रिग्मा, बीच वाला पार्ट है स्टाइल, आपको लग नहीं रहा कि ये ओवरी और इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है ना, और दिस वन इज ओवरी, ठीक है, लास्ट वन इज ओवरी। तो तीन पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखे और दो पार्ट हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखे। तो चलिए स्टेमेन से स्टार्ट करते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। सिंगल फ्लावर में हैव नंबर्स ऑफ स्टेमेन इन इट, तो बहुत ज्यादा स्टेमेन हो सकते हैं। इट कंप्राइज टू मेन पार्ट्स, इसके दो पार्ट होते हैं, एक एंथर, सेकंड वन इज फिलामेंट। अब एंथर क्या होता है, सॉलिड टिप, फूला हुआ टिप जैसा ये नजर आता है, देखिए नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पूरा सीधा आ रहा था, यहाँ पे को बिल्कुल फूला हुआ नजर आया ना, तो ये सॉलिड टिप होता है, फूला हुआ टिप होता है। और ये क्या होता है, बाइलोब, दो लोब होते हैं, देखिए नजर आ रहा है इसके दो लोब, ये वन सेकेंड वन, ठीक है, दो लोब बीच में कट जैसा दिख रहा है ना ये, चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ऐसे होता है, तो बीच में कट है ना, तो टू लोब्स, वन लोब दिस वन इज वन लोब, सेकंड वन दिस इज सेकंड लोब, ठीक है, बीच में ये गैप होता है इसका, तो बायलोब्ड स्ट्रक्चर ये होता है। हालांकि बायलोब की डिफाइन हम और अच्छे तरीके से दे सकते हैं, दूसरा तरीका होता है, ये तो खाली स्ट्रक्चर वाइज आपको दिखाया। बायलोब का एक बहुत बड़ा लेक्चर में कह सकती हूँ, बायलोब्ड स्ट्रक्चर में हम डाइसेंस ऑफ ये पढ़ते हैं, फिर एंथर वगैरह बहुत पढ़ते हैं, तो ये आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे को एंथर बायलोब्ड होता है और इसके पास टू पॉलन सैक्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि येलोइश कलर का। अच्छा देखिए, पॉलन ग्रेन आप सभी लोगों ने देखे होंगे, अगर आपने कोई भी फ्लावर पकड़ा, मतलब कि जब जो मैच्योर फ्लावर पकड़ा, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्लावर्स को जब आप पकड़ते हैं तो उसके बाद आपके हाथ में एक पाउडरी सब्सटेंस, थोड़ा सा पाउडर टाइप का आपके हाथ में, वाइटिश येलोइश क्रीम कलर का कुछ पाउडर जैसा आपके हाथ में गिरता है, या जहाँ पे आपने अगर कहीं पे रखा, अपने कपड़ों में रखा, तो आपको नजर आता है, तो बस वही क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो इस एंथर के पास क्या होते हैं, इस एंथर के पास पॉलन सैक्स होते हैं जिनके पास की पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मीन्स की एंथर में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं। यही पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, आगे जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में स्पर्म एंटर करता है ना फीमेल के किसमें, एग में एंटर करता है, वैसे ही एंथर का यानी कि फ्लावर्स में जो स्टेमेन है, स्टेमेन में जो एंथर है, एंथर में पॉलन ग्रेन्स जो है, वो पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे जाते हैं तो बाद में पढ़ेंगे, बस अभी इतना ध्यान दीजिए कि एंथर में पॉलन सैक एंड पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज फिलामेंट, फिलामेंट इट इज अ स्टॉक ऑफ स्टेमेन, स्टॉक वाला पार्ट है, एंड स्टेमेन दैट सपोर्ट्स एंथर। इसका काम होता है कि ये क्या करता है, इसका बस ये काम है कि ये एंथर को सपोर्ट करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज कार्पेल, कार्पेल और पिस्टल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। ये तीन पार्ट्स को कंसिस्ट करता है, स्ट्रिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी।
स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी है इसके पास, ठीक है, ये तीनों चीजें इसके पास प्रेजेंट है। तो चलिए देखते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी का क्या काम होता है, क्या जरूरत है इनकी। तो जो कार्पेल, अगर मैं पहले कार्पेल आपको एक्सप्लेन करूँ, तो कार्पेल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ फ्लावर्स, जो कि फ्लावर के मिडिल में, बीच में, ये देखो पूरे फ्लावर के बीच में प्रेजेंट है ना, बीच में ही प्रेजेंट रहता है। और इसके तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और वो तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है, ये तीन पार्ट इसके होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी के नाम से हम इनको जानते हैं। तो स्टिग्मा के अब देखते हैं फिर, स्टिग्मा में क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, टर्मिनल पार्ट यानी कि सबसे टॉप पार्ट ये होता है स्टिग्मा, ऊपर वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, कार्पेल का टॉप वाला पार्ट हम कह सकते हैं, तो अब या पिस्टिल का टॉप वाला पार्ट हम कह सकते हैं, जो कि स्टिकी, चिपचिपा होता है, ठीक है। और चिपचिपा क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि जब भी मेल से, जब भी एंथर से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, पॉलन ग्रेन्स पाउडरी सब्सटेंस है, भले वो इंसेक्ट्स के थ्रू आए, भले वो विंड के थ्रू आए, किसी के भी थ्रू आ रहे हैं, तो यहाँ कैसे आएंगे, ये चिपचिपा होगा तभी तो इसमें चिपकेंगे ना, तभी तो फीमेल पार्ट में चिपकेंगे। तो ये क्या होता है, स्टिकी, चिपचिपा पार्ट होता है, कौन, स्टिग्मा वाला पार्ट, जो कि पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए बना हुआ है, ठीक है। और पॉलिनेशन के टाइम पे इसकी जो स्टिफनेस जो होती है, स्टिकनेस जो होती है, वो पॉलन ग्रेन्स को चिपकाने में या स्टिक करने में हेल्प करती है, और यहां से फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, स्टाइल का क्या काम है, ये मिडिल इलोंगेटेड पार्ट होता है, देखिए बीच वाला पार्ट है, इलोंगेटेड पार्ट है कार्पेल का, जो कि हेल्प करता है स्टिग्मा और ओवरी को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ, ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू स्टिक, सॉरी इट हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ स्टिग्मा एंड ओवरी, इट इज द मिडिल एलोंगेटेड पार्ट ऑफ कार्पेल विच हेल्प द अटैचमेंट ऑफ स्टिग्मा एंड ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा और ओवरी के अटैचमेंट में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज ओवरी। ओवरी ये वाला पार्ट है हमारा, जो राउंडेड पार्ट आपको नजर आ रहा है फ्लावर का, तो ये क्या होता है, सॉलन बॉटम पार्ट ऑफ कार्पेल, तो कार्पेल का बॉटम वाला पार्ट जो कि फूला हुआ पार्ट हमें नजर आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, जो कि इसके पास क्या, जैसे कि एंथर के पास पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, वैसे ही ओवरी के पास एग होते हैं। जब भी पॉलन ग्रेन्स आएंगे ना, वो स्टिग्मा में जाएंगे, ठीक है, स्टिग्मा से अब उनको नीचे आने की जरूरत पड़ेगी, वो पॉलन ग्रेन्स को जरूरत पड़ेगी कि वो यहां से यहां पे प्रेजेंट एग तक पहुंचे। यही मैकेनिज्म हमने पढ़नी है कि कैसे वो स्टिग्मा से एग तक पहुंचते हैं, कैसे एंथर से निकलकर एग तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ओवरी के पास क्या प्रेजेंट रहते हैं, एग प्रेजेंट रहते हैं, ओके। तो जो मेल जर्म सेल होंगे, जरूरी होता है अगर एक नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन करना है, नया ऑर्गेनिज्म बनना है, तो ये जरूरी है कि जो मेल गैमेट है वो इस फीमेल गैमेट के साथ यानी कि एग के साथ फ्यूज हो ही हो, इसके अलावा कोई और कुछ और हो ही नहीं सकता है। इसके अगर फ्यूजन नहीं हुआ तो कभी भी नया सेल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। द मेल जर्म सेल मस्ट फ्यूज विद फीमेल जर्म सेल टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, सो इट इज नेसेसरी टू कैरी आउट पॉलिनेशन, इसके लिए जरूरी है प्लांट्स में पॉलिनेशन हो। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो ना ही जर्म सेल्स, मेल के जर्म सेल्स निकल के फीमेल जर्म सेल में पहुंच पाएंगे, अगर वो नहीं पहुंचे तो फ्यूजन नहीं होगा, और फ्यूजन नहीं होगा तो फिर आगे स्पीसी नहीं बढ़ पाएगी या नई जनरेशन उनकी नहीं आ पाएगी, है ना। तो यही तो होता है। तो आई होप आपको समझ में आया कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने फ्लावर पढ़ा, हमने कहा कि सैपल की बात करी, सैपल को हम कलेक्टिवली एक साथ जितने भी सैपल हैं उन सभी सैपल्स को कैलिक्स कह देते हैं, और जो पंखुड़ियाँ पेटल्स हैं उसको कलेक्टिवली कोरोला का कह दिया जाता है। नॉर्मली ये 5 और 4 हमें देखने को मिलती हैं बहुत सारे फ्लावर्स में, और इसी में प्रेजेंट है हमारे, हम वो फ्लावर की बात कर रहे हैं जिसमें, जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं जिसमें मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी है। तो मेल गैमेट इज स्टेमेन एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज कार्पेल और पिस्टिल। तो कार्पेल और पिस्टिल कहा जाता है फीमेल गैमेट को, और मेल गैमेट को कहा जाता है क्या,
स्टेमिन, स्टेमिन के पास है एंथर और फिलामेंट। तो हमने पढ़ा कि एंथर ऊपर टिप वाला पार्ट है जो कि उभरा हुआ पार्ट होता है और इसके अंदर पॉलन सैक एंड पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं और फिलामेंट इसको सपोर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, किसे? एंथर को सपोर्ट करने के लिए जो पार्ट होता है उसे हम फिलामेंट बोल देते हैं। और ऐसे ही दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का, उसे कार्पेल और पिस्टिल के नाम से जाना जाता है। ये कंसिस्ट करता है थ्री पार्ट्स को। फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, सेकेंड वन इज स्टाइल एंड थर्ड वन इज ओवरी। स्टिग्मा, स्टिग्मा एक स्टिकी चिपचिपा पार्ट होता है फ्लावर का जो कि इंश्योर करता है अगर कोई पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं तो वो इस पे चिपक जाएं और यहाँ से वो पॉलन ग्रेन्स ट्रेवल करते हुए एग तक पहुँचे। ठीक है, स्टाइल क्या करता है? स्टाइल वो पार्ट है जो नीचे ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करने का काम करता है। इन दोनों का कनेक्शन है स्टाइल। और ओवरी, ओवरी का काम है, या ओवरी एक सॉलन पार्ट होता है जो कि बेस में प्रेजेंट रहता है। इसमें प्रेजेंट रहते हैं एग, और ये एग क्या करते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स निकल के आएंगे मेल गैमेट से उनके साथ फ्यूज होके यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन करेगी, और जायगोट अगर फॉर्म हो जाएंगे तो यहाँ पे नए सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये यही सेम चीज़ें होती हैं उनमें भी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, उसमें चेंज क्या होगा, या उसमें सिर्फ एंथर होंगे या सिर्फ उसमें ये कार्पेल वाला पार्ट होगा। ठीक है, कार्पेल और पिस्टल वाला पार्ट होगा, तो बस यही चेंज होता है, इससे ज़्यादा चेंज कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद जैसे हिबिस्कस और मस्टर्ड प्लांट किया, मस्टर्ड तो सभी ने देखा है ना, यानी कि सरसों का पौधा, वो भी क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, मींस कि उसमें भी दोनों ही टाइप के फ्लावर, सॉरी दोनों ही टाइप के सेक्सेस देखने को मिलते हैं। और यूनिसेक्सुअल में हमने पढ़ा कि पपाया, वाटरमेलन जो होते हैं ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है, और इनमें एक एक ही टाइप का, जैसे अगर आप पपाया देखेंगे, पपीता के पेड़ को या पपीता के फ्लावर को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो आपको गैमेट नजर आएगा, उसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट नजर आएगा, या मेल ही होगा या फीमेल ही होगा। मींस कि ऐसा नहीं कि पूरी पॉपुलेशन फीमेल वाली है, पूरी पॉपुलेशन मेल वाली, ऐसा नहीं होगा, किसी में मेल होगा। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है ना, कोई मेल है और कोई फीमेल है, तो ठीक वैसे ही फ्लावर्स में भी कोई मेल होगा और कोई फीमेल होगा, और फिर उनमें पॉलिनेशन होगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इनमें पॉलिनेशन कैसे होता है, इनमें गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है, कैसे गैमेट एक जगह से दूसरी जगह इसमें जाते होंगे, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। तो पॉलिनेशन की अगर मैं थोड़ा सा आपको पॉलिनेशन का आइडिया दूं, तो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, मतलब कि इससे निकले हुए पॉलन ग्रेन्स इनका ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हो जाना। कैसे ट्रांसफर होता है, अब ये तो नज़दीक में है ना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, बस यही होता है पॉलिनेशन, तो इतना ही होता है, इसे हम पॉलिनेशन बोल देंगे। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा में। ठीक है, ये पॉलिनेशन है, ये तो उस फ्लावर में हो गया, ये बहुत सिंपल सा हमें दिखा उस फ्लावर में जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। जो मोनोसेक्सुअल फ्लावर है उसमें क्या होता होगा फिर, उसमें तो एक फ्लावर यहाँ है, दूसरा फ्लावर कहीं होता होता, कहीं दूसरी जगह होगा। तो उसमें, अब इसमें तो ये कंडीशन भी है कि जैसे ही मैच्योर हो जाएगा तो हो सकता है किसी की जरूरत ही ना पड़े, किसी मतलब इंसेक्ट की जरूरत ही ना पड़े, विंड की जरूरत ही ना पड़े, किसी चीज़ की जरूरत ना पड़े, जैसे मैच्योर हुआ वह अचानक से सूखा और वो गिर गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसमें तो ऐसे गिर भी सकता है, राइट, कुछ बड़ा होता है ये, वैसे भी इस तरीके से होता है, ऊपर की तरफ ये थोड़ा और होता है, ऐसे तो ये गिरेगा नीचे आ जाएगा, है ना। लेकिन वो फ्लावर जिनमें दूर दूर है, या जैसे एक ही प्लांट है, इसका एक फ्लावर यहाँ है, दूसरा फ्लावर यहाँ है, उस टाइम पे क्या होता होगा, उस टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। तो नॉर्मली पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन नॉर्मली दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ जहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, किसी की जरूरत ही नहीं है, खुद से ही पॉलिनेशन हो जाता होगा। क्रॉस यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की, या कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ अलग अलग हो रहा होगा, इसलिए उसे हमने क्रॉस पॉलिनेशन कह दिया, है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दो अलग अलग हमें देखने को मिले, दो अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे एक चीज़ और अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये है स्टेमेन। स्टेमेन अगर आप ऐसे देखेंगे, अलग से अगर आप स्टेमेन देखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का हमें नज़र आता है। ठीक है, जो स्टेमेन होता है यहाँ पे देखिए, ये एंथर वाला पार्ट है। अब देखिए ये एंथर कुछ इस तरीके से होता है, बाइलोब्ड होता है बोला ना, तो इससे ये यहाँ पे दो लोब होते हैं, एक लोब ये है इसकी और एक लोब ये, और इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 और ऐसे ही पॉलन ग्रेन्स इसमें प्रेजेंट है।
ठीक है, पॉलन ग्रेन्स इसमें बने हुए हैं और ये पार्ट इसका फिलामेंट वाला पार्ट है. दिस पार्ट इज नोन एज फिलामेंट, दिस पार्ट इज एंथर एंड दीज आर पॉलन ग्रेन्स. तो इस एंथर के अंदर कुछ इस तरीके से पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. और दूसरा पार्ट, इसको क्या कहा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर. दूसरा पार्ट है हमारा क्या, कार्पेल का, ठीक है. इसे कहा जाता है कार्पेल, या क्या पढ़ा था हमने बताइए, या पिस्टल, ठीक है, कार्पेल या पिस्टल इसे कहा जाता है. तो देखिए इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, जो हमने सिंपल सा ये जो हमने डायग्राम देखा था उसका जो मेन डायग्राम होता है, जो मेन एक्चुअल में जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो हमें कुछ इस तरीके से नजर आता है. तो ये टॉप वाला पार्ट, इसको स्टिग्मा कह दिया जाता है, इस पार्ट को स्टाइल कह दिया जाता है, और ये जो फूला हुआ, ये जो उभरा हुआ जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं ओवरी. अब देखिए ओवरी के अंदर क्या है, ओवरी के अंदर है ओव्यूल. ये पूरा पार्ट है ओव्यूल, और उस ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है, ठीक है. एग या ओव्यूल एक ही बात है, ठीक है, ओव्यूल बोले या एग बोले एक ही बात है. तो ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये एग जैसा जो दिखाई दे रहा है, इसे ओव्यूल या एग कहा जाता है, जो कि फीमेल गैमेट होता है. ये तो मेल गैमेट है, पॉलन ग्रेन्स तो मेल गैमेट है, लेकिन ये क्या होता है, ये एग फीमेल गैमेट होता है, और इन्हीं का ट्रांसफर, इन्हीं पॉलन ग्रेन्स का यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है. ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से फिर नीचे कैसे ट्रैवल करते होंगे, कहाँ से कहाँ जाते होंगे, कौन सा रूट वो फॉलो करते होंगे, ये हमने पढ़ना है, ठीक है. कैसे पॉलन ट्यूब बनती है, पॉलन ट्यूब कैसे नीचे से होते हुए कैसे यहाँ तक पहुँचता होगा, फिर जायगोट बनता होगा, ये हमने देखना है. लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, पॉलिनेशन पढ़ना है, और पॉलिनेशन के बाद फिर हमने जाना है फर्टिलाइजेशन की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है और फ्रूट्स कैसे बनते हैं, सीड कैसे बनते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग ये होने वाला है. फ्रूट के बारे में हम पढ़ेंगे, सीड के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे सीड का जर्मिनेशन होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है इसमें. और उसके बाद ह्यूमंस में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड. तो इसमें भी कुछ ऐसा ही था, ऐसा नहीं है कि इसमें अलग है, ठीक है. तो इसमें भी सैपल दिखा रखे हैं, दीज आर पेटल्स, दिस इज फिलामेंट, दिस इज एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और इसे पिस्टल बोल दिया. तो यही चीज़ इसमें भी है जो मैंने आपको बताया था अब. लेकिन यहाँ पे को अभी इतना ही हमने पढ़ा है कि द सॉलन बॉटम पार्ट इज ओवरी, मिडिल इलोंगेटेड पार्ट इज स्टाइल, एंड द टर्मिनल पार्ट विच मे बी स्ट्रीकी इज द स्टीमा. द ओवरी कंटेन ओव्यूल एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल. द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाय पॉलन ग्रीन्स फ्यूजेज विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल. दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स ऑफ फर्टिलाइजेशन गेव अस द जायगोट विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन टू अ न्यू प्लांट. तो अब न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये पॉलन ग्रीन्स पहुँचते कैसे हैं वहाँ तक, ठीक है. तो कैसे पहुँचते हैं और कैसे फ्यूजन होता है, कैसे जायगोट बनता है, पहले हम ये पढ़ेंगे. उसके बाद हम इस जो ये फर्टिलाइजेशन हमें कहा गया है, इस फर्टिलाइजेशन टर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे, ओके. तब तक के लिए रिवाइज कीजिए आप, आपको जो समझ में नहीं आता है आप पूछ सकते हैं, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है. तो तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए. हैव अ नाइस डे.